भूगोल कैसे सीखें, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी, या भूगोल से संबंधित जीएस कैसे सीखें, या इस फार्मूला को आप अन्य सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप महान भाव हैं क्योंकि आप ईश्वर की एक कृति हैं और आप ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। आप वृक्ष नहीं हैं, जीव हैं। वृक्ष एक कला का जीव होता है, आप और चलता हुआ जानवर भी नहीं है, अर्थवार कछुआ भी नहीं है, क्योंकि वो दो कला का होता है। एक कला का जीव जिसे वृक्ष केवल खा सकता है, उत्पादन दे सकता है। दो कला का जीव खा सकता है, उत्पादन दे सकता है और चल भी सकता है। तीन कला का जीव कुत्ता खा भी सकता है, उत्पादन दे सकता है, चल भी सकता है और अपने स्वामी को भी पहचान सकता है। हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं, आप चार कला के जीव हैं। आप खाते भी हैं, उत्पादन भी करते हैं, चल भी लेते हैं और अपने स्वामी इहलोक के स्वामी को भी पहचान लेते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कला के लोग होते हैं, ऋषि मुनि अपने परम स्वामी को, ऊपर वाले को भी पहचान लेते हैं। और कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं। भगवान राम के पास 12 कलाएं थी, भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएं थी। हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं, 4 कला वाले, 5 कला वाले अधिकतर। इसलिए हम अन्य जीवों की अपेक्षा उत्तम होने के कारण आपका स्वागत करते हैं और उस परम पिता को आभार व्यक्त करते हैं जिसने आपको, हमको कुछ उपहार देकर भेजा है। उपहार क्या है? उन उपहार में ये उपहार है, हमको आँखें मिली हैं, हमको कान मिला है, ईयर मुंह भी मिला है बोलने के लिए, हाथ मिला है करने के लिए और माइंड मिला है सोचने के लिए। ये चीज़ें हमारे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन इनको देने का ईश्वर का कोई मकसद है। उसका क्या मकसद है? कि हम यहाँ आकर के कुछ चीज़ों को सीखें और सीख कर उनका इसी समाज के लिए प्रयोग करें और प्रयोग करके इस समाज से अलविदा होकर ईश्वर को सभी सूचनाएं दें। हमको क्या सीखना है, हमारा क्या नैतिक धर्म है, मानव होने के नाते, चार कला रखने के नाते, आइए हम लोग इसको देखते हैं। हमारा उद्देश्य है सीखना। क्या सीखना? हम एक बालक जब पैदा होता है देखते हैं वो क्या करता है। क्या माने होयर, अर्थात वो जानना चाहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम किस ग्रह पर आए हैं और अगर पृथ्वी ग्रह पर आए हैं तो कहाँ होयर। तो इसलिए हम लोग होयर के बारे में जब सीखते हैं तो वहीं से जागर भी शुरू हो जाती है। ये कोई विषय नहीं है, अनुभव की चीज है। और वह आकाश में सांस लेता है, एटमॉस्फियर, कोई सीखने का विषय वस्तु नहीं है, आभास करने की चीज़ है। उसको प्यास लगती है, मम्मी पानी पिलाती है, जल मंडल है, भूख तो लगेगी ही, तो जीव मंडल उसको भोजन देने के लिए तैयार रहता है, चाहे शाकाहारी चाहे मांसाहारी। ये सब चीज़ सीखने की चीज़ नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मम्मी पापा को देखा, माता पिता भाई बहन को, समाज को देखा, जनसंख्या को देखा, कोई सीखने की चीज़ थोड़ी है। फिर अपना घर कमरा किचन देखा, फिर देखा कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं, काम करना सीख लिया, फिर नाचना गाजना राजनीति धर्म सीख लिया। अगर इतना सीख लिया तो क्या बहुत किया? इतना तो उसको मानव होने के नाते, चार कला होने के नाते करना ही चाहिए। बस यही तो भूगोल है। देखिए भूगोल में हम कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कॉस्मोलॉजी माने
अगर हम आए हैं तो इन सब चीज़ों को सीखने के साथ ही हम अंतरिक्ष को भी तो देखते हैं, ग्रह, तारे, नक्षत्र, और कौतूहल होता ही है, लोग बताते भी हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारा साइंस तो आज ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटन करने के पीछे लगा ही है, इसलिए कॉस्मोलॉजी एक बृहद साइंस है जिसमें हम लोग पृथ्वी के बाहर की चीजों को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोलिकी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको सब चतुर्थ गुण वाले, चतुर्थ कला वाले या चार कला वाले सब जीव जानते हैं एस्ट्रोनॉमी। ज्योग्राफी तो कोई नई बात है ही नहीं, जैसा अभी हमने एक बच्चे की कथा को बताया कि वह पहले पृथ्वी पर आता है तो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल की बात करता है, स्थल मंडल की बात, और इस स्थल मंडल को पढ़ने के बाद फिर वह एटमॉस्फेयर की बात करता है, एटमॉस्फेयर में सांस लेता है, हवा का अनुभव करता है, वर्षा का अनुभव करता है, और एटमॉस्फेयर पढ़ने के बाद उसको प्यास लगेगी ही, प्यास लगेगी तो जल मंडल से भरी हुई पृथ्वी है, पानी पाता है, और इसके बाद भूख लगती है तो जीव मंडल, चाहे शाकाहारी, चाहे दाल चावल सब्जी रोटी खाए या मांसाहारी जीव, जीव भी अंत में वेजिटेशन पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसको सीख लिया तो कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ, ये तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और अपने मम्मी पापा और भाई बंधु को पहचानने लगा तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गई, और जब पहचानने लगा सबको तो अपने घर को पहचान लिया, पड़ोसी घर को, ननिहाल को, सब घरों को पहचानने लगा, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गई। पहचानने के बाद देख रहा है कि हर घर में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई उद्योग में लगा है, इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर देख रहा है कि वो कहीं पर डांस हो रहा है, कहीं संस्कृति का विकास हो रहा है, कल्चरल ज्योग्राफी हो गई। फिर इसी के बाद इसी में और भी चीज़ें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और सब ब्रांचें जुड़ती जाती हैं। तो अगर इतना हमने दुनिया के बारे में सीख लिया तो बस हमारा IAS का एक पेपर तो तैयार हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और फिर बचा अपना इंडिया, ये तो संयोग की बात है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इसका मतलब अच्छे कर्म थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टुंड्रा और टाइगा में पैदा हुआ है उसके कर्म खराब थे। क्यों पैदा हुआ ये तो मुझको नहीं पता है, लेकिन विधि का विधान तो है ही कि उसकी पोस्टिंग वहाँ हुई, हम लोगों की पोस्टिंग यहाँ हुई, इस रंगमंच पर हमको भेजा गया है, कुछ कार्य करना है, कुछ ड्रामा एक्टिंग करना है। अब कितनी ईमानदारी से हम करेंगे ये तो वहाँ जाने पर जवाब देना पड़ेगा। कितनी ईमानदारी से ये खुदा की खुदाई को हम सीख के वहाँ जाएंगे, ये ब्रह्मा की रचना को सीख के जाएंगे और वहाँ देंगे, ये तो ऊपर से सब राडार लगे हैं और दोनों कंधों पर चित्रगुप्त भी तो बैठे हैं कि कितना ईमानदारी से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस तरह से आप इंडिया की ज्योग्राफी में भी, इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया आपका वतन है, यहीं की मिट्टी से बने हैं, अंत में अपनी इस मिट्टी को इस मिट्टी में छोड़ के चले भी जाना है, इसलिए इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह सीखना है। लंबी आयु है, यहीं तो नौकरी भी करना है, इसी वतन के लिए जीना है, इसी वतन के लिए तो मरना भी है। तो क्यों ना ईमानदारी से इंडिया में उस सब पहलू सीख लें जो पहलू हमने विश्व के संदर्भ में सीखा था, वर्ल्ड के संदर्भ में जितनी चीज सीखा था उतनी चीज हम लोग इंडिया के संदर्भ में सीख लें। अर्थात इंडिया में लिथोस्फीयर स्थल मंडल, यहाँ की चट्टान मिट्टी, यहाँ का वायुमंडल जलवायु दशाएं, यहाँ का जल मंडल भूमिगत जल, नदियाँ, महासागरीय जल,
और यहाँ का बायोस्फीयर जीव मंडल, और इसको सीखने के बाद हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या का वितरण कैसे है, और यहाँ पर अधिवास गांव का वितरण, नगरों का वितरण, नगरों की वृद्धि कैसे है, और यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है शुरू से लेके आज तक, भविष्य क्या है, और यहाँ का सांस्कृतिक विकास, ये सब अगर सीख लिए तो हमारा एक पेपर इंडिया का कंप्लीट। बस ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को आईएएस में ये दो पेपर ज्योग्राफी मिलेंगे, फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका अपना वतन है, अपना देश है ना, तो उस पर पूरा महारत बने रहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, थियोरीज हैं, अगर वो क्लियर हैं तब तो इंडिया की ज्योग्राफी ठीक। जैसे फर्स्ट पेपर में एटमॉस्फेयर में ट्राई सेलुलर मेरिडियल सर्कुलेशन, त्रिकोशिकी देशांतरी संचरण, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इंडिया में एटमॉस्फेयर में इंडियन मानसून बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे, नहीं तो समस्या होगी। इसलिए एक तरह से देखें तो विश्व का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड फाउंडेशन है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, और अगर इन चीज़ों को आप ईमानदारी से कर लेते हैं, ईमानदारी कैसे करेंगे, उसके लिए प्रभु ने आपको अस्त्र दिया है, ये सब अमोघ अस्त्र हैं, ये सब दिव्यास्त्र हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं, कैसे यूज करेंगे हम बताते हैं, लेकिन इतना पढ़ लेने के बाद तो आप दुनिया के हर समाज में हर सभा में बोल लेंगे, क्योंकि आपको लगभग हर विषय का ज्ञान प्राप्त हो गया है। विषय कितने होते हैं, बहुत हैं। विषय दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो नेचुरल साइंसेस प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा ह्यूमैनिटीज ह्यूमन साइंसेस। आइए देखते हैं कि अगर ईमानदारी से आपने भूगोल के विषय को सीखा तो आपको कितना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए एक पहाड़ है, एक माउंटेन से हम शुरू कर रहे हैं, माउंटेन से उतरेंगे प्लेटो पर, प्लेटो से उतरेंगे प्लेन में, प्लेन से पहुंचेंगे समुद्र के मुहाने पर डेल्टा के पास, फिर चले जाएंगे समुद्र में, यही तो विज्ञान है। हाँ, इन सब विज्ञान के ऊपर वायुमंडल का भी अध्ययन करेंगे, मौसम विज्ञान का भी करेंगे, एस्ट्रोनॉमी का करेंगे, कॉस्मोलॉजी करेंगे। तो यदि आपने भूगोल विषय को जो भी आपने देखा चार्ट में ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको इतने विषय की नॉलेज हो जाती है, और इतने विषय की विद्वत गोष्ठी में आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप कुछ बोल भी सकते हैं, चुप रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ईश्वर क्या देखता है, आपका ईमान किसके प्रति, विषय के प्रति जिसके लिए आपको भेजा गया है। देखिए इसमें आपको ये आपको क्रायोलॉजी हिम विज्ञान ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट, हिम विज्ञान कहाँ होता है, या तो पोलर रीजन में होगा जहाँ बर्फ जमा है, या तो माउंटेन के टॉप पर होगा। ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर्स की स्टडी भी ज्योग्राफी में हमारा लिथोस्फीयर में चैप्टर है, और क्रायोपेडोलॉजी किस तरह से हिम और मिट्टी में इंटरैक्शन होता है और मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान का भी अध्ययन हम लोग करते हैं कि किस तरह से महासागरों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, फिर प्रिसिपिटेशन के बाद स्थल पर आता है, फिर समुद्र में जाता है, इसको हम लोग ज्योग्राफी में सीखते हैं। और इसी तरह से हम लोग इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, हमारे पृथ्वी पर जितने लैंड फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और लिथोलॉजी सभी चट्टानों का अध्ययन करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी, अब इसका संबंध यहाँ से हो जाता है,
क्योंकि एक मनुष्य यहाँ खड़ा हुआ है तो हमारा एक है ब्रह्मांड जिसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, हम लोग इसको एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड से और पास में आने पर एस्ट्रोनॉमी, जिसमें सन सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, और उसके और पास में आने पर किसी भी ग्रह जैसे सैटर्न शनि ग्रह से निकली हुई एनर्जी आकर माइंड को प्रभावित करती है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से लैंड पर ही कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम वॉल्केनोलॉजी में अध्ययन करते हैं। भूकंप आ रहा है, सेस्मोलॉजी भूगोल का विज्ञान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जियोक्रायोलॉजी, कुछ बर्फ चट्टान के अंदर घुस जाती है, क्रिया करती है, इसका अध्ययन भूगोल में ही किया जाता है। जियोलॉजिकल साइंस भले ही अलग साइंस हो, लेकिन जियोलॉजी का अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में भी सीखते हैं, चट्टानों में स्पेशली सेस्मिक वेव पढ़ते समय। और मिनरोलॉजी, खनिज विज्ञान, मिनरल्स क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पॉर्टेंस हम लोग भूगोल में सीखते हैं। पेट्रोलॉजी, ये भी रॉक्स की स्टडी है, इनको जियोलॉजिस्ट ज़्यादा सीखता है, लेकिन हम लोग भी छोड़ते नहीं हैं। और इस तरह से आपकी पेडोलॉजी माने सॉइल साइंस, कैसे मिट्टी का डेवलपमेंट होता है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जियोग्राफर का कंसर्न है। स्पीलियोलॉजी, कहीं पर गुफा बनी है, क्यों बनी है, किस तरह की चट्टान है, सॉफ्ट रॉक है, लाइमस्टोन है, इसका डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं। इडाइफोलॉजी, पेड़ है, मिट्टी है, कैसे एक दूसरे का संबंध है, इडाइफोलॉजी में स्टडी की जाती है। हाइटोलॉजी, वर्षा विज्ञान, किस तरह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और उनसे कितने टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी, आपका इस पृथ्वी पर घासें हैं, ग्रासेस की टाइप्स, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, उनका इम्पॉर्टेंस स्टडी करते हैं। और ये आपका है बायोक्लाइमेटोलॉजी, किस तरह से क्लाइमेट या वेदर कंडीशन बायोटिक फैक्टर्स को, वनस्पति को, जीवों को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान और जीव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से बायोक्रोनोलॉजी, किस तरह से समय और मौसम के बदलते जीव अपनी कंडीशंस को बदल देते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष तैथे की, किस प्रकार क्लाइमेटिक कंडीशंस पेड़ों के वलयों को, रिंग्स को प्रभावित करती हैं, और हम लोग वृक्ष के वलय के आधार पर पास्ट क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। इंटमोलॉजी, ये भी कीट पतंग विज्ञान है। बाल्नियोलॉजी, स्नान विज्ञान, स्पेशली जो समुद्र में गोताखोर होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। और इस तरह से आपका ये ओशनोग्राफी, महासागर विज्ञान, डेल्टा के ठीक बाद शुरू हो जाता है। ओशनोग्राफी को हम लोग बहुत डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन इस डेल्टाई क्षेत्र में हम लोग इसके पहले एक लिम्नोलॉजी होता है, साइंस ऑफ लेक्स, झीलों का अध्ययन। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी झीलें हैं, कौन खारी है, कौन मीठी है, क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ते हैं। और इसी तरह से सेडिमेंटोलॉजी, अवसाद विज्ञान में, किस तरह से नदियाँ लेक्स में और डेल्टा में सेडिमेंट जमा करती है, वो पढ़ते हैं। डेल्टालॉजी, डेल्टा का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको सीखते हैं हम लोग। टाइडोलॉजी में किस तरह से महासागरों से टाइड्स आते हैं, ज्वार लैंड तक प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। फिर मैरीन आर्कियोलॉजी, समुद्र में हमारे कुछ कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य, जैसे कुछ मंदिर है, कुछ सिटीज हैं डूब चुके हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और इसी तरह से पैलियो ओशनोग्राफी में हम लोग महासागर के पूरा स्वरूप का अध्ययन करते हैं,
जैसे आज हमारे महासागर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आज हैं वहाँ नहीं थे। पहले सभी स्थल एक जगह पर था, साउथ में पंजिया, चारों तरफ महासागर पैंथालसा। पंजिया टूटने के बाद किस तरह से आज महाद्वीपों का वितरण है और पैंथालसा सिकुड़ कर कैसे प्रशांत के रूप में हो गया है, इसकी पूरी हिस्ट्री पहली ओशनोग्राफी के अंतर्गत आती है। और इसी तरह से हम लोग क्लाइमेट में एग्रो क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी क्लाइमेट एग्रीकल्चरल कंडीशन को प्रभावित करती है। और अब तो साइंटिस्ट इसके आधार पर क्रॉप वेदर चार्ट भी बना दिए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, पूरा जलवायु विज्ञान, हमारी पृथ्वी पर आज जिस तरह की जलवायु पाई जाती है ऐसी जलवायु पास्ट में नहीं थी, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं जो हमारे वर्तमान एविडेंसेज हैं। और इसके बाद आज क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटोलॉजी का भूगोल से संबंध है, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान या वेदर फोरकास्ट भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इस तरह से ज्योग्राफी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ एम्पिरिकल साइंस, इसको फील करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसको सीख लिए तो कोई बड़ा काम नहीं किए, बस बात यह है कि इसको सीखते कैसे हैं, उसका अप्रोच क्या है। सीखना तो इतना है, इसको कैसे ईजिली सीख लिया जाए, आइए हम उसको देखते हैं। तो हम आप यहाँ आए हैं और हम आप कुछ उपहार लेके आए हैं प्रकृति का। उपहार इतने हैं, आँख कान मुंह, और इसका उद्देश्य क्या है आप समझ गए, सीखना, इस ई लोक की चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लेना। इस तरह सीख लेना हो सकता कहीं बताना भी पड़े या यही समाज के काम आए। अब हम लोग एक एक उपहार के बारे में देखते हैं। पहला उपहार आँख है, आँख से सब लोग देखते हैं, लेकिन आँख से लुक और सी दोनों काम करते हैं। तो आँख का प्रयोग कैसे करेंगे ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ को देखता है, लुक करता है, सी नहीं करता है, ये देखता है कि ये कोई चलती फिरती चीज है, बस इतना ही। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पहचानने लगता है कि औरतें तो सभी हैं, ये तो हमारी माँ है। जब और बड़ा हो जाता है तब अपनी माँ में एक दिव्य आत्मा देखता है कि तो मेरी माँ, इसमें तो एक दिव्य आत्मा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तब, बड़ा माने बुद्धि में, एज में नहीं, एज में बड़ा होकर तमाम बच्चे माँ का मर्डर कर दे रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए माइंड का हमेशा प्रयोग करते हुए अगर वो बच्चा माँ को पहचान लिया कि माँ तो ऊपर वाली माँ है तो क्या पूछना है। लेकिन सब लोग नहीं पहचान पाते। कला ही कितना है, चार पांच कला वाले हम लोग जीवन बिता देते हैं। वो तो भगवान कृष्ण थे, 16 कला। एक बार भगवान कृष्ण राधा के साथ विहार कर रहे थे, एक वृद्धा कुबड़ी कुद्रूप महिला चली जा रही थी, एक डंडी लिए बैसाखी। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा, राधे एक मिनट मैं आ रहा हूँ, इंतजार करो। भगवान कृष्ण पहुँचे कुबड़ी के पास, कहे सुंदरी सुंदरी, ऐसे सर उठा के देखने लगी, कहे सुंदरी बोलो, बस इतना तो सुनना क्या। राधा का दिमाग तो उचट गया, कहा वाह आज ही मैं देख के आई हूँ दर्पण में, इतना सुंदर मैं। अब कान्हा को सुंदरी और लगने लगी, आओ तो पूछते हैं तुमसे। कृष्ण जी आए, राधा ने कहा तुमको आज वही सुंदरी लग रही है
तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, राधे वह सत्यम शिवम सुंदरम हो चुकी है, वह इस दुनिया के माया से विरक्त है, उसकी आत्मा पूर्ण तरह से शुद्ध हो चुकी है। तो भगवान कृष्ण ने देख लिया आत्मा को, इसलिए सी माने देखना, माने अब आप समझिए हम कि चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। अब जाकर भी सब्जेक्ट कैसे देखेंगे, दुनिया कैसे देखेंगे, अभी हम सीखते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा है, स्कूल जाता है, का खा गा घा अंगा देखता है, देखता है माने लुक करता है, सी नहीं करता है। लेकिन अगर वो खा और गा को मिला दे खग बन जाएगा। देखिए अब अक्षर से अर्थ निकल आया खग, लेकिन अभी भी तो 10-12 में पढ़ रहा है एमए तक में, अभी खग समझ नहीं पाया। फिर आगे चल करके उसका जब माइंड काम करने लगेगा, इन आँखों के साथ जब माइंड आ जाएगा, तब तुलसीदास को समझ जाएगा खग जाने खग ही की भाषा। इस तरह से बच्चा किस तरह से चीज़ों को देख रहा है और उससे उसका माइंड डेवलप हो रहा है, ये चीज़ हमको सीखने की ज़रूरत है। आँखों के बाद अब हमारा आ जाता है कान। कान में, कान का दो काम होता है, एक हियर एक लिसन। हियर माने सुन लेना, बिना माइंड के इसको सुन लेना ही हियर है, और लिसन माने ध्यान से सुन लेना। लेकिन ज़्यादातर लोग हियर करते हैं, लिसन लिख देते हैं। कोई कहता है लिसन में केयरफुली, कोई नहीं मतलब नहीं। CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली ने तो एक कोर्सेस पर चला दिया है, लिसनिंग स्पीकिंग कोर्स ASL, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद भी कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सुनने का दो तरीका है, एक तो कान सुन लेते हैं, आई किसी के अंदर बैठा हुआ ये माइंड सुन लेता है। गाना बहुत लोग सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, जैसे कहिए गाना हम गा के सुना दें। कैसे सुना जाता है, देखती ही न दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। सुना, इसकी ध्वनि सुनी होगी, सुनने वाले कहेंगे क्या मजा आ गया, और कहीं तबला हारमोनियम रहे तो मजा आ गया, चलो थोड़ा सा मजा आ गया। लेकिन इसके शब्दों में नहीं गए, कुछ लोग शब्दों में घुस गए, क्या सुन रहे हैं, देखती ही न दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। उस शब्द के अर्थ में गए और कहे वाह क्या हीरोइन के लिए कहा गया है, हीरोइन अपना मुंह देख रही है, प्यार करने वाले घूम रहे हैं, टाइम निकल जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। देखिए अर्थ निकल आया। देखिए सुनने वाला वो भी था, ये भी था, माइंड कैसे सुन रहा है उसका अर्थ अलग हो गया। लेकिन सही सुनने वाला, किनारे एक गंगा के किनारे योगी बैठा है, उसके कान में भी आवाज गई, क्या गई, देखती ही न दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। वो योगी तो जल्दी पड़ गया, क्यों, क्योंकि तो उसकी बुद्धि गा रही है, किसके लिए, उसकी आत्मा के लिए, कि तुम दर्पण न देखती रहो, ये दुनिया दर्पण है, जो वादा करके आई हो, हे आत्मा तुम यादा वादा करके आई हो ना अपने प्रियतम परमात्मा को याद करने के लिए, उनसे मिलने के लिए तड़प नहीं रही हो, माया के जगत फंस गई हो, दर्पण ना देखो, प्यार करो मुहूर्त निकल जाएगा। आपने देखा
एक लाइन को कितने लोग कितने ढंग से सुने, तो आप क्या इस दुनिया की हर आवाज को किस ढंग से सुनेंगे, आप शायद समझ गए होंगे। क्योंकि अगर आप माइंड का यूज करते हैं तो वही चीजें आपको एक दूसरा अर्थ देती है। चलिए ठीक है, आपको सुनने की भी कला मालूम हो गई तो आप आंख से देखने भी लगे, आप सुनने भी लगे और आप मुंह से बोलने भी लगे। मुंह से बोलेंगे तो बोल के रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे इसको भी सीखने की जरूरत है। का खा गा घा पढ़ते हैं आप, ABCD पढ़ते हैं आप, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, हमको नहीं पता है। स्टडी तो करते हैं आप, पता नहीं अक्षर पढ़ते हैं कि शब्द पढ़ते हैं कि वाक्य पढ़ते हैं। हमको तो लगता है भाई अक्षर पढ़ा जाए, क्योंकि सब अक्षर साफ रहेंगे तो हम शब्द पढ़ लेंगे और शब्द सब पढ़ लेंगे तो हमको वाक्य भी आ जाएगा। लेकिन अक्षर पढ़ना ही हमारे विद्यार्थी नहीं जानते। कहीं एक हम आपको सुना दें, याददाश्त अपनी। गए थे MA फाइनल का टूर लेकर साउथ इंडिया, पूना बस चली जा रही थी। हमारे दिमाग में था कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पूना में है। हमने सब बच्चों से कहा भाई देखना, जहाँ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होगा बस रोक देना, थोड़ा सा ऑफिस देख लिया जाएगा। आवाज़ आई, सर मिल गया मिल गया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ड्राइवर ने बस रोक दिया, हम लोग उतर गए, ऑफिस के पास पहुँचे। वहाँ पर लड़कों ने आगे बढ़ के पूछा कि सर मिलना चाहते हैं। हम आगे गए तो गेट खुला था, देखे अंदर तो वहाँ पर मेजरमेंट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, माप तोल के तराजू ये सब उपकरण। हमको शंका हो गई कि बुरे में फंस गए, ये लड़का ध्यान नहीं दिया। मेटियोरोलॉजी की स्पेलिंग METEOROLOGY और उसमें बोर्ड में लिखा था मेट्रोलॉजी METROLOGY। लड़का जो है धोखा दे दिया। अब तो पहुंच गए, अब तो हम फंस चुके थे। उसका डायरेक्टर निकला, कहे आइए सर। देखा जान गया, कही सर। हम कहे कि कैसे आए हैं। कहे हम बस आपसे यह पूछने आए हैं। मैंने कहा कि हम महोदय जी आपसे पूछने आए हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है। तो वो मुस्कराने लगा, वो जान गया कि इनको है कन्फ्यूजन, ये आए हैं इसी के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट समझ के। लेकिन अब देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की यूज करके अपना इज्जत बचाने के लिए बहाना कैसे कर रहे हैं। हम कहे आप हमको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो कहें सर बुरा न मानिएगा आप UP के हैं क्या। हम कहे हाँ हम UP के भी हैं और हमारे सब विद्यार्थी भी UP के हैं, क्या करें अब पढ़ा था विद्यार्थियों ने। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है जब कभी रीडिंग करें तो किसकी रीडिंग करेंगे, वर्ड्स की नहीं, वर्ड्स की बाद में, पहले लेटर्स की। एक लड़का अखबार पढ़ रहा था, आवाज आई बुटगेट बुटगेट बुटगेट। हम सोचे कहाँ का नया शब्द है, हम भी सीखेंगे। पीछे से गए थे उंगली रखा था बजट पर, BUDGET। हमने कहा बाप रे बाप, ये इंडियन स्टूडेंट है, पार्लियामेंट हैरान हो जाएगा, बजट सेशन में बुटगेट हो जाएगा उसका। इसलिए आप लेटर्स की रीडिंग करें। वर्ड्स की रीडिंग तो बहुत ही जरूरी है, वर्ड्स की रीडिंग इतना जरूरी है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता पर लिखिए। तो लड़का सोचता है भूमध्य भूमध्य पढ़ता है बस, रेखी तो उसके दिमाग में फीड है। अब बस आंसर लिख करके भूमध्य रेखीय जलवायु टाइटल लिख के चलाता है। प्राप्तांक कितना होगा, शून्यांक होगा, क्योंकि पूरा तो पढ़ा ही नहीं। परीक्षा में भी यही होता है,
क्वेश्चन पूछ लिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चार विकल्प है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसकी निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर, क्वेश्चन को उतना इत्मीनान से नहीं पढ़ रहा है जितना ध्यान उसका चारों विकल्प ढूंढने में लगा है, कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप कर्म मनोयोग से तो कर ही नहीं रहे हैं। जब पढ़ने का काम था तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, उसी में अपना आधा माइंड आंसर ढूंढने में लगे। मेरा दावा है कि अगर आप क्वेश्चन को इतना सफिशिएंट टाइम रहता है, अच्छी तरह से पढ़ लें और चारों विकल्प हाथ रखे रहें, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा और दिमाग कहेगा हटाओ यार हाथ, यही तो उत्तर है। ये मेरा दावा है। बात यह है कि पढ़ना चाहता ही नहीं कोई, और पढ़ाई बहुत कठिन चीज है, इसलिए आप अक्षरों को पढ़िए, आप शब्दों को पढ़िए और आप सेंटेंसेस को पढ़िए। सेंटेंस कैसे पढ़ जाएगा ये भी बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए आज आप वादा करिए चाहे जिस विषय के आप हों, अक्षर शब्द और सेंटेंस, वाक्यों को कैसे पढ़ा जाता है आइए इसको भी हम बता देते हैं। वाक्यों को कैसा पढ़ा जाता है आइए हम देखते हैं। आंखों से ही नहीं, वाक्य को जब पढ़ना हो तो आप पेन निकाल लीजिए, पेन से पढ़ा जाता है, कैसे आइए देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर पर इंग्लिश हिंदी में लिखा है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, रटने कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछिए, नहीं एग्रीकल्चरल नहीं इंडस्ट्रियल है, बस यहीं से पढ़ाई शुरू हो जाती है। क्या किताब का लेखक लिख दिया इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश, हम मान लें? नहीं मानेंगे। सिद्ध करें कि ज़्यादातर लोग कृषि में लगे हैं, कितना परसेंट, बस यहीं से आपके प्रश्न मिलना शुरू। एग्रीकल्चरल क्यों है अंडरलाइन कर लीजिए, इसका उत्तर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर खरीफ रवि, नहीं किताब ने उल्टा लिख दिया इसको, हम इसको पहले रवि लिखेंगे फिर जायद फिर खरीफ, किताब का लेखक हमको गुमराह कर रहा है, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे, हम इस पर अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। यहीं आप सोच लीजिए, नहीं तो बाद में सोचने में नुकसान हो जाएगा। कैसे? यूपीएससी ने पेपर में सेट कर दिया है कि विच आर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, चार विकल्प बना दिया है, पहले विकल्प में खरीफ रबी जायद, दूसरे में रबी जायद खरीफ, तीसरे में जायद खरीफ रबी, चौथे में खरीफ जायद रबी, चार विकल्प बन गए। एक पर निशान लगाइए आप, तो आप सोचेंगे तो परीक्षा के समय सोचेंगे, लेकिन जब युद्ध भूमि में बिगुल बज गया तो आप सोच रहे हैं, और जब पढ़ते समय टाइम था तो ध्यान से पढ़े नहीं, कलम से पढ़े नहीं, तो इसी समय पढ़ लीजिए कि किताब का लेखक हमको गुमराह कर रहा है। हम तो भाई पहले रबी कहेंगे, क्योंकि जनवरी में जो नए साल की शुरुआत होती है रबी की फसल रहती है, फिर जायद आती है, तो रबी जायद खरीफ ये विकल्प हमारा सही। यही तर्क वितर्क करके अपने मित्रों से या किसी स्रोत से फाइनल कर लीजिए, लेकिन यूपीएससी ने तो खरीफ रबी जायद पर ही सही टिक लगा के और नंबर अलाट कर दिया है। क्या बात है, उसका भी तो कुछ सोचना होगा। हाँ, भारत में पहली फसल की शुरुआत भारतीय मानसून से शुरू होती है, और भारतीय मानसून के समय खरीफ की फसल रहती है। कुछ लोग कहेंगे ना, हम मानेंगे नहीं, हमारा पहला महीना चैत बैसाख शुरू होता है, हम वहाँ से मानेंगे, हम पहले जायद खरीफ तब रबी कहेंगे। ठीक, जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन हमारे जो भारत सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहेगा उसी पर आपको चलना होगा, उसी पर मार्क्स मिलेंगे। तो आप सेंटेंस पढ़ते समय, आपको बताया था हमने
कि कैसे लेटर्स पढ़ेंगे, फिर बताया था कैसे वर्ड्स पढ़ेंगे ताकि धोखा न हो, फिर बताया था कैसे सेंटेंस पढ़ेंगे महा धोखा न हो। इसके बाद इंडियन मानसून इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। अनसर्टेन, अनसर्टेन क्या है, अनसर्टेन इरेगुलर क्या है, दोनों एक ही तो है? नहीं, रुक जाइए थोड़ी देर, कोई जल्दी नहीं है आपको पढ़ डालना। सोच के चलिए, ठुमुक जनवासी की चाल चलिए आप। अनसर्टेन माने यह पहली जून को आना है, नहीं आता है, अनसर्टेन। 10 जून को आ गया, इरेगुलर, एक बार आ गया फिर 10 दिन अवकाश मार दिया। दोनों में क्या अंतर है? बस यूपीएससी ने पूछ लिया, इंडियन मानसून इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, राइट 100 सेंटेंस, खत्म कहानी हो गई। क्योंकि आप तो यहां से रट के गए थे ना, आपने जो आपका एक ब्रह्मास्त्र दिया है मस्तिष्कास्त्र, प्रकृति ने मस्तिष्क उसका तो प्रयोग किया नहीं। इसी के बाद है इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल विद इंडियन मानसून। कैसे गैम्बल? भारतीय कृषि जुआ है, कृषक जुआड़ी है, यहां रुकना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का प्रश्न है। इसलिए आप हर सेंटेंस पर अगर सोच सोच के चलेंगे तो आपका माइंड डेवलप करेगा और आपके माइंड सेट में जो बैकग्राउंड है उसमें नई वाली चीजें बैठते जाएंगी। अगर आप क्रैमिंग करेंगे, रटेंगे, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सवेरे सफा। लेकिन साइंटिफिकली करते हैं तो यू आर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ योर। इसी तरह से फ्लड्स एंड ड्राउट्स अफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर। फ्लड क्या है अब आप इसमें देख लीजिएगा, ड्राउट क्या है देख लीजिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया को फ्लड और ड्राउट अफेक्ट कर रहे हैं इसलिए इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन है। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, फुल क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया। इसी समय इसको बुक पलट करके पेज को ग्रीन रेवोल्यूशन देख लीजिएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंडिया में एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, आधार संरचनात्मक कारक क्या है, संस्थागत कारक क्या है, इनकी पूरा लिस्ट उसी समय कलम लेकर तब पढ़ना चाहिए, बना डालिए, इसी समय बना डालिए क्योंकि उसी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट फॉर एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, व्हाट इज एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, क्या जरूरत इसकी पड़ी इंडिया में? इसका मतलब कि इंडिया की एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं हो पा रही है जितना कि हमारी नीड है। इसी के लिए कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन किया गया। किसने किया? ICAR कौन संगठन है और IMD कौन संगठन है, कैसे करते हैं, इन पर करना होगा। और इन लोगों ने एक क्रॉप वेदर चार्ट, ऐसा चार्ट बनाया है जिसमें इंडिया में किस वेदर कंडीशन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाए, उसको किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर ब्लॉक लेवल से, फिर विलेज लेवल से फार्मर्स को दिया जा रहा है, मल्टी लेवल प्लानिंग। मेरा कहने का मतलब है कोई भी पैराग्राफ आप उठाइए तो पेन ले लीजिए, पेन लेके डाउट करिए कि इसका लेखक हमको गुमराह कर रहा होगा, कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि लेखक का क्या अरमान नहीं था कि BA में करते समय सिविल में बैठता और सिविल निकालता, सबका अरमान था। क्यों नहीं निकाला? कोई बात थी, कोई तो बात थी, और आज वो लेखक बन गया है। लेकिन आप क्यों अपना समय गंवा रहे हैं? आप उस लेखक के देखक बन जाइए और अच्छे ढंग से उसको देख के तब पढ़िए, क्योंकि आपकी युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है, महाभारत है। उस समय का महाभारत
कौरव पांडव के बीच में उत्तरी भारत की सीमा में था। आज का महाभारत पूरे इंडिया के सब राज्यों के बीच आपका संग्राम है। यही नहीं है, इसमें कुछ विदेश के इंडियन बार्ड वो भी कंपटीशन देते हैं, तो आपका ये अस्त्र बहुत ही मजबूत होना चाहिए, मस्तिष्क अस्त्र और ये अस्त्र, क्योंकि इसी से लाइन बनेगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपके हाथ की लाइन ये बनेगी। कुछ लोग हाथ की रेखा दिखवाते हैं पंडित जी से, क्या रेखा दिखेंगे, इस रेखा में कुछ नहीं लिखा है। हाँ, इस रेखा में यह रेखा इसे बनती है, पकड़ लीजिए। और यहाँ सभी ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि सब ग्रह हैं, और सबको दबा दीजिए इसे, और सब ग्रह को दबा करके निचोड़ दीजिए, और निचोड़ के जो आप लिख देंगे वही आपकी रेखा है, वही भाग्य रेखा बनती है आपकी। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप लिखेंगे, और अगर लिख दिए तो कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है जो आपका नंबर काट दे, नंबर मिल गया तो बस आपका काम पूरा हो गया। लेकिन बात तो फंसती है पहले रीडिंग का, किस तरह से आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के बाद आप इसमें मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा, तीन दृश्य अंडरलाइन करिएगा और तीन कलर की पेन ले लीजिएगा। एक आपको प्रीलिम पास करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बन सकें, जैसे खरी रवि जात, इसको एक कलर से करिए सब ऑब्जेक्टिव को। दूसरा, जो मेंस में पूछे जाना लायक हो, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल विद इंडियन मानसून। अब आपको इतना एहसास हो जाना चाहिए कि मेंस में पूछा जाएगा, तो उसको मेंस का दूसरे कलर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर उसी में देखिएगा क्या इसमें इंटरव्यू पेपर पूछा जा सकता है, क्या ICAR IMD पर हमसे इंटरव्यू में बोर्ड पूछ सकता है, उसको एक तीसरी कलर से। बस आपने इस पैराग्राफ को चबा लिया, पचा लिया, च्यू एंड डाइजेस्ट, वो चीज आपकी अपनी हो गई। बस अब वो नहीं कहेगा कि अपना बना लो मेरी जान, आपने तो उसको अपना बना ही लिया। अब जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल चॉइस, राइटिंग, इंटरव्यू, आपकी पर्सनालिटी तैयार हो गई। इस तरह से आप रीडिंग स्किल समझ लें। हाँ, अभी आपने रीडिंग स्किल सीखा, लेकिन रीडिंग स्किल में अभी आपने अपनी आँख का प्रयोग किया, और अपने आपने अंदर के दिमाग का भी प्रयोग किया। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है, एक कहावत आपने सुना होगा, काक चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इसका पूरा डिटेल करने का समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप अलाउ करें तो बगुल ध्यानम हम बता दें। बगुला को आपने देखा होगा, पानी में पैर डाल के खड़ा रहता है, ध्यान लगाए रहता है। अब ये चीज आप स्टडी, अध्ययन, ध्यान, अथ ध्यानम, कैसे ध्यान कर रहे हैं, बगुला को देखना है पानी में खड़ा है, ध्यान लगाए है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है माने जो भी आपने सेंटेंसेस का एक पेज देखा, पूरा पेज बह रहा है, लेकिन उसका ध्यान पूरे जल पर नहीं है, लेकिन आपका ध्यान सब सेंटेंसेस पर रहता है। लेकिन बगुले का ध्यान केवल केवल उसी मछली अपने टारगेट पर रहता है। तो आप भी कम से कम बगुला से सीख लीजिए, आप कुछ टिपिकल वर्ड्स को अंडरलाइन करके उन्हीं पर ध्यान लगाइए, जान जाइए कि वही तो मेरा शिकार है। पूरे पानी पर, पूरे पेज पर, पूरे किताब पर क्यों दौड़ रहे हैं भाई आप? आपको अगर विद्वान बनना है तो पूरा रटिए, बुद्धिमान बनना है ना, विद्वान बुद्धिमान में अंतर मालूम होगा आपको।
तो बगुला की तरह बुद्धिमानी से ध्यान लगा के अपनी मछली टारगेट को देखिए, और जब मछली दिख जाती है तो बगुला क्या कहता है, हेलो डार्लिंग, ना, आंख मूंद देता है तुरंत, आंख मूंद के तुरंत अटैक। अब हमने नहीं ध्यान दिया है कि आंख मूंद कर अटैक करता है कि आंख खोल कर। आप सोचिए, देखिएगा जरा इस नजारा को, आप अपने आंखों से देख लीजिएगा, नहीं तो ऊपर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। चोंच खोल करके अटैक कर देता है, चोंच में पानी चला जाता है, कदाप नहीं, एक बूंद पानी नहीं जाएगा। वो कोई इंडिया का स्टूडेंट थोड़ी है कि काम के शब्द के साथ साथ तमाम सेंटेंस है जा जाए, ना, एक बूंद पानी नहीं जाएगा, सीधे मछली पर लगेगा। लेकिन आंख मूंद का निशाना मारता है। अब आप लोग आंख खोल कर पढ़ते हैं, पापा की मोटरसाइकिल पर चले जा रहे हैं, उसी समय किताब पढ़ रहे हैं, सड़क छत पर घूम रहे हैं, घूमते घूमते पढ़ते पढ़ते जमीन पर जंप कर जाते हैं। कुल मिला करके पढ़ाई हो नहीं है, बगुल ध्यान आप उसको वहां पर मछली पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद उसी में सर डाले रहता है, नहीं, दम घुटेगा, दुर्घटना हो जाएगी, खट से निकाल लेता है। लेकिन आप उस पैराग्राफ के उन वर्ड्स को निकालने में सोचते हैं, छोड़िए, बाद में कर लिया जाएगा। तुरंत आप कॉपी में नोट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास एक अस्त्र है, हाथ भी दिया है ना प्रभु ने, सोचते हैं यार इसको सुरक्षित रखो, जितना ही एनर्जी बची रहे। लेकिन उसको तुरंत निकाल लीजिए आप, जैसे बगुले निकाल लिया, फिर क्या करता है? देखा आपने, बगुला अपने मछली को ऊपर मुंह कर लेता है कि नीचे कर खाता है, छूट जाएगी ऊपर। क्या आप कुछ पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कुछ वर्ड्स को पकड़ कर और अध्ययन अथ ध्यानम ऊपर मुंह करके किए हैं? कभी नहीं। करके देखिए तो पूरी मछली गट से आपके अंदर चली जाएगी और बगुला हो जाएगा मस्त। तो कुल मिलाकर के आप अगर इस बगुला से पूछ लीजिए, किससे? बगुला से, भगत गड़प कर गया मछली, बगुला भगत बना है एकदम व्हाइट यूनिफॉर्म। तो इस तरह से हर विद्यार्थी को बगुल ध्यानम करना चाहिए। शायद आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू स्टडी ए पैराग्राफ एंड हाउ टू टेक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इट एंड हाउ टू इम्बाइब इट एंड कीप इन माइंड, और जरूरत पड़ने पर उसका कैसे उस शब्दास्त्र का प्रयोग करें। विद्यार्थी के पास कौन अस्त्र होता है? भाला बल्लम थोड़ी होता है, शब्दास्त्र। इस तरह से आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो फिर आप बाउंड हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे उसी तरह से बोलने के लिए। अब आपका मस्तिष्क डेवलप हो गया, पूरी बैटरी चार्ज हो गई नॉलेज से। अब बात बचती है कि इसको फोकस कैसे करें। फोकस करने के लिए हम आपको एक मेथड बताते हैं कि इस दुनिया में जब किसी चीज को देखिए तो आप चार प्रश्न के साथ उससे पूछिए, व्हाट, तुम क्या हो, पहले अपना परिचय दो, व्हेयर, तुम कहाँ हो, व्हेन, तुम कब यहां आए, हाउ, तुम कैसे, तुम्हारा रवैया चल रहा है। इन चार प्रश्न को अगर आप उससे पूछ लीजिए तो आपको जो उत्तर मिल जाएगा उस उत्तर में आपका बेड़ा पार है। जैसे हिमालय पर प्रश्न पूछा गया, हिमालय पर, तो आपको पहले हिमालय पर लिखना चाहिए व्हाट, हिमालय क्या है, एक टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन है, व्हेयर, कहाँ स्थित है, इंडिया के नॉर्थ में, नेपाल, चाइना, जहाँ कुछ, व्हेन, कब बना है, अब आप उसकी हिस्ट्री लिख दीजिए, हाउ, कैसे है, जिंदा है, उठ रहा है, कट रहा है। इस तरह से इन चार प्रश्नों के साथ यदि आप चीज़ों को पढ़ के सीख लेते हैं और बोल लेते हैं और फिर लिख लेते हैं तो फिर आपका यह अस्त्र दिव्यास्त्र कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पर, व्हाट,
वेयर व्हेन हाउ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट में कुछ शुरुआती है ना, किसी उत्तर का आप जो शुरुआत करते हैं तो छोटे में करते हैं, उपसंहार भी छोटे में करते हैं, उसका बीच का पार्ट मेजर पार्ट होता है। इसलिए आप इसके सुडौलपन पर, इसके कॉम्पैक्ट नेचर पर जरूर ध्यान रखिएगा। जो जहां का मैटर है उसको वहीं पर लिखिएगा। इसका शेप इस तरह से बनना चाहिए, ये शेप देख रहे हैं ना, समुद्र है, महासागर, मछली है, आंख है, और इसका शेप कितना खूबसूरत है कि जब चाहे ये सीधे ऊपर निकल आए, और ये मछली समुद्र के ऊपर भी कभी कभी उछाल मार लेती है अपने मंडल पर, जल मंडल पर इसका पूरा अधिकार ही है, वायुमंडल का खबर ले लेती है, और इसी शेप के गोताखोर बन जाते हैं, कूदते हैं सीधे नीचे चले जाते हैं। लेकिन यह भी तो एक शेप है, इसको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट लिख रहा था व्हाट, तो व्हाट का तो साइज ठीक थी उसकी, व्हाट में दो सेंटेंस लिखने थे, व्हाट इज हिमालय, दोनों लिख दिया, हिमालय इज फोल्डेड माउंटेन, इट इज टर्शियरी माउंटेन, सर लिख दिया। लेकिन जब वो लिख रहा था हुयर, तो एक सेंटेंस उसका उसके दिमाग से उड़ गया, लिखना था इसमें पांच सेंटेंस, एक सेंटेंस भूल गया। क्यों? अनभ्यास विषम शास्त्र। और तीसरा वाला पॉइंट, जब लिख रहा था तो इसमें से जो भूल गया था उसको याद आ गया, ये तो मैं भूल गया था वहां, यहां लाके उसको जड़ दिया। देखा आपने? और दोनों परीक्षा दे के आए, और दोनों ने कहा कौन कौन सेंटेंस लिखे थे एग्जैक्ट बताओ यार, क्योंकि एग्जामिनर तो भाई उन्हीं सेंटेंसेस पर नंबर देगा, क्योंकि तो जानता है कि बगुल ध्यानम कौन विद्यार्थी है। ते कहेगा हम तो यही यही लिखे थे, ते कहेगा हम भी तो यही यही सब लिखे थे, लेकिन अभी नहीं बता रहा है कि इसकी प्लेसिंग कहाँ किया था। भाई प्रकृति ने हम लोगों को दांत दिया है, कितना बढ़िया सेटिंग किया है, लेकिन अभी एक दांत यहाँ हम उखाड़ लें, हंस दें, तो बीटी वाले कहेंगे खोड़ा, और फिर भूल जाए कहे उखाड़ लिया, एक पर लगा दे, फिर बीटी वाले कहेंगे दत चढ़ा कहीं का, दो बात मिल गई, एक खोड़ा एक दत चढ़ा, या आपको यही बात मिलती है। यूपीएससी में लिख के वही सेंटेंस एग्जैक्ट आएंगे, मिसप्लेस हो गया, इसलिए आपको डबल टाइटल टॉप करेंगे, ये भी टॉप करेगा ऊपर से, आप भी करेंगे नीचे से, क्यों? प्रैक्टिस नहीं। इसलिए आप लिखते समय इस पर जरूर ध्यान दीजिए, तब आप अपने क्षेत्र दायरे को भी पार करके दूसरे के दायरे में जा सकते हैं। भाई हम तो लड़कपन में गुल्ली डंडा खेले हैं, क्रिकेट तो था ही नहीं, डंडा होता था, इसे डंडा से ये गुल्ली बनी है, ऐसे मारते थे, बीच में नहीं पीटते थे, बीच में पीटेंगे तो करवट बदलेगी किनारे पर, अजब मारते थे तो गुल्ली उछलती थी, फिर क्या पूछना, उसको देख के मारे टारगेट चली गई, यूपीएससी के पिल्लू में पिल गई, वो गाने लगे, गुल्ली हैरान डंडा रोवा था, कदली के मन मस रोवा था। अर्थात आपको अपने आंसर्स को इस बेहतरीन ढंग से फॉर्मेट में लिखना है कि उसको उठा करके उस गुल्ली को यूपीएससी में फेंक दीजिए तो कोई इस पर क्वेश्चन ना कर सके, पूरा का पूरा नंबर देने के लिए एग्जामिनर बाध्य हो जाए। अब आप कह दीजिए सर मैं आपकी एक डीएम की पोस्ट लेने जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बगुल ध्यानम किया है, मैंने तपस्या किया है, मैंने लिखा है, और व्हाट व्हेयर व्हेन हाउ ये केवल ज्योग्राफी की स्टूडेंट की बात नहीं है, इसको आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से सीख लीजिए। डेमोक्रेसी लिखना है
तो पहले इंट्रोडक्शन लिखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर लिखिए व्हेयर इज डेमोक्रेसी, फिर व्हेन, फिर हाउ। छोड़िए, आप आइए टेररिज्म की बात कर लीजिए। टेररिज्म पर अगर आपको ऐसे लिखना है या 100 वर्ड का टिप्पणी, फिर एक फार्मूला लगा दीजिए। व्हाट इज टेररिज्म, व्हेयर इज टेररिज्म, व्हेन कब आया, हाउ कैसे आज चल रहा है। छोड़िए, आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आप है ना, आइए इन्फ्लेशन पर ले लीजिए, मुद्रा स्फीति पर, यही फार्मूला है। व्हाट व्हेयर व्हेन, छोड़िए, आपको पढ़ना ही नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सामान्य जीवन जीना है, तो भी कोई चीज देख करके व्हाट व्हेयर व्हेन हाउ अपनी जिंदगी बिताइए। कहे पढ़ने मन नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं साइकिल से, आगे एक चौराहा है, उस तरफ से एक सुअर आ रहा है, तो आप चले जा रहे हैं साइकिल या बाइक से, तो इतना तो उससे पूछ लीजिए, सुअर यू आर व्हाट, व्हाट सुअर हो, भैंस तो नहीं हो, व्हेयर कहाँ हो, व्हेन कब पहुंच रहे हो चौराहे पर, हाउ कैसे हम बचा लें। अगर पूछ लिए, सुअर ने बता दिया, तब तो बच गए, नहीं क्या परिणाम होगा, वो भी आ गई, आप भी आ गए, अगले दिन अखबार में छप गए, एक बहादुर भेड़ा पाकिस्तानी से नहीं सुअर से, क्यों, क्योंकि आप न तो व्हाट समझ पाए, न तो व्हेयर उसकी स्पीड समझ पाए, न तो व्हेन समझ पाए, न तो हाउ टू अवॉइड, न पढ़ना चाहें तब, और पढ़ना चाहें पढ़ लें, तो आपको इन चारों प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी, व्हाट व्हेयर व्हेन हाउ। न पढ़े तो भी जरूरत पड़ी, टू अवॉइड एक्सीडेंट विद पिग, सुअर से कम दुर्घटना से आप बच जाएंगे। पढ़ लिए, सोचे अब क्या जरूरत है, अब तो हम एसपी बन गए प्रतापगढ़ के एसपी साहब, चले आ रहे हैं, पीछे बैठे हैं, एसपी साहब है ना, ड्राइवर चला रहा है, विश्वनाथगंज गंजेड़ा एक ब्लाइंड मोड़ है, बकुलाही नदी का पुल है, घना जंगल है, ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है, भाई आप तो इस पैटर्न पर पास करके परीक्षा गए हैं ना, उसका हॉर्न आप सुन रहे हैं, तो आप फिर यही फार्मूला लगा दिए, व्हाट हॉर्न व्हेयर घनघोर जंगल, व्हेन जब सड़क कोई नहीं है, हाउ कैसे बचा जाए, एसपी है ना, यूपीएससी ने आपको पास किया है, और ड्राइवर फेल करना चाह रहा है, बस आपको डाउट होगा, ड्राइवर साहब जरा रोकिए, हाँ हुजूर रोक दिया, आज यार हमारी गाड़ी चलाने की इच्छा है, अब तुम पीछे बैठ जाओ, गाड़ी टर्न करके एसपी साहब पहुँचते हैं प्रतापगढ़, और उसे पूछते हैं कि यार मोड़ था, घना जंगल था, कोई ट्रैफिक नहीं था, और तुम्हारा हॉर्न लगातार बज रहा था, बात मेरी समझ में नहीं आई मेरे मित्र, वो कहा नहीं सर ऐसा था, कहे नहीं ये पुलिस डिपार्टमेंट काम है, उन्हें जब थर्ड मेजर यूज किया तब वो ड्राइवर बताया कि आपको मारने के लिए लोग हमको कुछ पैसा दिए थे, क्योंकि आप बहुत कड़े एसपी थे, तो हम कह रहे हैं आप डीएम भी बन जाए, एसपी भी बन जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि इस फार्मूला को भूल जाएंगे, ये फार्मूला तो आपको जरूरत है, आप डीएम बनेंगे तो भी यही होगा, गाजीपुर के डीएम, अब नाम क्या बताएं, 4 लोग आ गए, कहें सर इसी पेपर साइन कर देते, वो कहे भाई पेपर इलीगल हम नहीं करेंगे, प्लीज सर कर दीजिए, नहीं भाई मैंने कह दिया ना, प्लीज सर आपके पैर पकड़ रहा है, मैं एक बार कह दिया नो, इतने में बड़ा वाला उसमें जो था दो झापड़ दिया डीएम साहब को, तो डीएम साहब तो 4 विकल्प में एक पट्टी लगा के तब डीएम बने थे, उन्होंने देखा 4 विकल्प में कौन सही विकल्प है, सबसे छोटे वाले का कमर पकड़ के लटक गए, बस तीनों भाग गए, मची खलबली, डीएम पिटे ने तुरंत पुलिस आई, उनसे पूछी कि बता दो कहाँ के हैं, 10 मिनट के अंदर सब आ गए, टिक लगाना सीख लीजिए आप,
यूपीएससी में भी सफलता मिलेगी, जीवन में भी सफलता मिलेगी। और ये स्टाइल केवल ज्योग्राफी सीखने के नहीं है, ये समाज में रहने की और जिंदा रहने की है। आपके सामने कौन व्यक्ति आ रहा है अपने मन से पूछ लीजिएगा इन चारों प्रश्नों के साथ। और इस तरह से यदि आपके माइंड का डेवलपमेंट हो गया, आप रीडिंग भी सीख गए, फॉर्मेट बनाना भी सीख गए, तो बस अब आपकी गुल्ली तैयार, अब आपकी निकल जाएगी गुल्ली। कहाँ जाएगी? यूपीएससी में। और इसके बाद आपको मिल जाएगी सफलता। लेकिन भूगोल में एक बहुत विचित्र चीज़ है जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कैसे लिखें। भूगोल ही नहीं, और भी विषय में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखें कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए और कैसे उसका फॉर्मेट तैयार किया जाए और कैसे उसको यूपीएससी तक पहुंचाया जाए। लेकिन आज हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, वो भी अल्ट्रा मॉडर्न है, वो भी टिप टॉप चीज़ों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट देखना चाहते हैं। तो कैसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे, इसके लिए ज्योग्राफी इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी माने बहुआयामी। बहुआयामी माने अभी आपने पिछले चार्ट में देखा था कि हाउ ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेज एंड ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ साइंसेज। इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और ये मल्टी लिंगुअल भी है। मल्टी लिंगुअल माने डिफरेंट लैंग्वेज का यूज होता है। लैंग्वेज का मतलब यहाँ नहीं हुआ कि हिंदी, इंग्लिश, अरबिक या बंगाली। यहाँ लैंग्वेज का मतलब हुआ कि कोई भी लिटरेचर हो। लिटरेचर का मतलब हुआ जैसे आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं जागर भी, या आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, तो आपके सेंटेंसेज हों, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ऐसा तो हमको कहना नहीं चाहिए, होगी नहीं, आप मेच्योर हैं। लेकिन उसको लिखने के साथ ही साथ उसका एक सपोर्टिंग मैप बनना जरूरी है। जैसे आप हिमालय पर लिख रहे हैं तो हिमालय कुछ सेंटेंस लिखने के बाद उसके एक मैप को ड्रा करना आवश्यक होता है। यह कमजोरी है एग्जामिनर की ज्योग्राफी की, इस पर वो नंबर देता है। और मैप में लोकेशन दिखाना जरूरी है, बशर्ते कि लोकेशन आप पढ़ते समय देखे हों तब। लेकिन पढ़ते समय लोकेशन देख कर भी अनदेखी कर देते हैं, इसीलिए मैंने सी और लुक में अंतर बता दिया। जैसे एक बार निकला था कि न्यू दिल्ली के पॉपुलेशन प्रेशर को कम करने के लिए उसके पास में एक ट्रोनिका सिटी डेवलप किया गया है, ट्रोनिका शहर, बस अखबार में निकल गया। परिणाम क्या हुआ कि उसको लड़का अखबार में पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको चाहिए था उसी समय ट्रोनिका सिटी को मैप में देख करके छोटा मैप बना के उसको अपने कॉपी में डाल देता। नहीं डाला, बस ट्रोनिका सिटी पढ़ लिया। अगले दिन फिर लड़का गया दुकान पर, फिर दुकान पर गया तो उसको जलेबी मिल गई, न्यूज़पेपर की जलेबी मिल गई। और फिर उसका ध्यान गया, जलेबी तो खा गया और देखा कि ट्रोनिका सिटी जलेबी के रस में डूबा हुआ है। फिर भी नहीं ध्यान आया कि आज जाके मैप पे देख लें। उसने जलेबी के कागज को गिरा दिया, जलेबी खा गया। और देख क्या रहा है, उसको कुत्ता खा गया। बस प्रीलिम के पेपर में ट्रोनिका सिटी आ गया, तो उसको इतना तो ध्यान है कि हाँ अखबार में पढ़ा था, हाँ जलेबी के रस में डूबा था, हाँ कुत्ते के मुंह में गया था। तीन विकल्प सही हैं, चौथा क्या सही होगा? भाई आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होकर के आप युद्ध कर रहे हैं विदाउट टूल, और मैप इज टूल इन द हैंड ऑफ ज्योग्राफी स्टूडेंट। बिना उपकरण के आप युद्ध भूमि में चले गए, हार तो निश्चित है। इसलिए पढ़ते समय इस पर ध्यान रखिएगा और तभी आप मैप बना पाएंगे। और एक चीज है भूगोल में डेटा, कुछ आंकड़ों को बहुत लंबा आंकड़ा देने से एग्जामिनर रट्टू मानेगा,
कुछ मोटे मोटे आंकड़ों को देने के लिए, ताकि आप अपने विषय वस्तु को क्वालिटेटिव ढंग से, गुणात्मक ढंग से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ढंग से डेटा में कर दीजिएगा। और अच्छा होगा डेटा का एक डायग्राम बना दीजिए तो और अच्छा है, और नहीं तो एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट माने जैसे तमाम टेबल्स हम आपको बताएंगे, आइडियाज आते रहते हैं, उनको बना दीजिए। किस तरह से आप अपने आंसर को सुधार लेते हैं, और ये आपका आंसर अगर मॉडल बढ़िया सा बन गया तो एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा। ये बात केवल ज्योग्राफी की नहीं है, ये बात हर सब्जेक्ट की है। ये बात पॉलिटिकल साइंस की है, इकोनॉमिक्स की है, सोशियोलॉजी की है, जितने सब्जेक्ट्स हैं सब में आप देखिए तो आज डेटा, मैप, मॉडल, फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। विश्वास ना हो तो आप न्यूज़पेपर्स देख डालिए, आप चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, इंडिया का मैप बना के कौन पॉलिटिकल पार्टी किस कौन सी चीज से जीती है बना दिया जाता है। आप कोई भी मैगजीन पढ़िए, आप कोई भी न्यूज़पेपर, इस तरह से सब में बना रहता है। इसलिए इसको आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा। ये रहा आपका तीर, ये तीर कहाँ जा रहा है, यूपीएससी में, और निशाना पक्का है। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को करेंगे, लिखेंगे, तो सफलता पक्का है। और जब सफलता मिल जाएगी तो इसमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है सफलता के बाद, कि आप कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सफलता मिले, असफल हो जाने पर लोग निराश भी हो जाते हैं, लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। निराश क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में आपकी आसक्ति हो गई है। जैसे जब पढ़ रहे हैं इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मेन क्रॉप्स आर दिस, तो आपको उसके प्रति बड़ी आसक्ति हो गई है कि बस अब आज पढ़ लिए, अभी एक टैबलेट बना लेंगे इसका, बोलने की प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरा सिलेक्शन होगा, बनेंगे डीएम तो काटेंगे पैसा भले जाए जेल में। आपका लगाव हो गया उसमें, वो नुकसान कर जाएगा। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि जब आप ये सब काम करें तो ये मानकर कि ईश्वर ने आपको भेजा है, और आँख, कान, मुंह, दिमाग, हाथ, इन शक्तियों के साथ भेजा है, तो उनका आपको दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सीखिए, काम करिए अनासक्त भाव से, उसमें लगाव मत रखिए। बस मानिए कि इतना परफेक्ट होगा कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा, और अगर अनासक्त भाव से काम किए तो फिर आपका दृष्टि दिव्य हो जाएगी, और नहीं तो कर्म बंधन में बन जाएंगे। कैसे, जैसे एक आपको घटना सुना दें, दुर्वासा मुनि गोकुल गांव के यमुना नदी बह रही थी, उसके दूसरी साइड में आके बैठ गए। बरसात का महीना था, यमुना नदी खूब तेजी से प्रवाहित होकर बह रही थी, किनारे बैठकर कुछ ग्वाल वाले उस साइड में थे, उनसे कह दिए कि जाओ गोपिकाओं से कह दो कि यमुना के उस तरफ दुर्वासा बैठे हैं और बहुत भूखे प्यासे हैं, उनके लिए जल्दी भोजन बना के ला दें। खबर मिली गोपियों को, घबराई दुर्वासा मुनि, क्रोध के भंडार जल्दी बनाओ, पकवान रसमलाई सब बनी, आई देखी यमुना जी उफान में खूब बह रही थी, कहें अब कैसे जाएं हम लोग, अभी तो दुर्वासा का क्रोध आ जाएगा, हम लोग लेट हो रहे हैं। घबराई, जब कुछ नहीं सोचा तो भगवान कृष्ण से पूछे कि नटवर हम लोग कैसे जाएं, ये धर्म संकट है। तो कृष्ण जी कहे इसमें क्या दिक्कत है, जाओ यमुना से कह दो कि कृष्ण जी अगर आबाल ब्रह्मचारी हैं और उसने किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं है, तो हे यमुना तुम सूख जाओ,
हम पार कर जाए। ऐसा ही जाके गोपिकाओं ने कह दिया तो यमुना का पानी सूख गया और पार करके चली गई। और दुर्वासा मुनि को खूब खाना पीना दी, वो खूब खाए पिए, फिर आशीर्वाद दिए, जाओ पुत्रियों चिरंजीवी भव। थाल लेके चली यमुना जी अपने पुराने रूप में, फिर उफान, कहें आप कैसे जाएं घर, फिर वही समस्या। और यहां तो कान्हा भी नहीं है, चलिए मुनिवर से सलाह लेते। दुर्वासा से पूछिए, वो कहे पुत्रियों इसमें घबराने क्या बात है, जाओ यमुना से कह दो कि अगर दुर्वासा ने जन्म से आज तक अन्न को ग्रहण करने के बाद छोड़ो देखा तक नहीं है तो हे यमुना तुम सूख जाओ। ऊपर चक्का में हो गई कि अभी अभी इतना खाया और अभी बेकार अन्न तक नहीं देखा। गोपियों ने जाकर यमुना किनारे ऐसा कहा, यमुना सूख गई, पार हो गई। चलिए दोहरी हैरानी, एक कान्हा ने हैरानी दी, एक दुर्वासा ने, फिर फंस गए, कहें बहन समझ में नहीं आ रहा। फिर चलो कान्हा के पास, फिर कान्हा से पूछे, कान्हा क्या है, तुमको तो समझ नहीं पाए ना, उस मुनि को समझ पाए। तो कान्हा ने कहा, गोपियों यही निष्काम कर्म योग है। वो जब दुर्वासा खाना खाता है तो उसकी आसक्ति उस अन्न के प्रति नहीं रहती, निष्काम भाव से खाना खाता है, इसलिए उसने जो कहा सत्य था। और मुझको तुम लोग रासलीला रचाने वाली मानती हो, वो चीज नहीं है, तुम लोग इसको समझ नहीं पाई हो, ये भी निष्काम कर्म योग है। मेरा कहना है आप जब कोई पैराग्राफ पढ़िए तो आपका उद्देश्य निष्काम कर्म योग होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए टू लर्न इट कंप्लीटली एंड प्रिपेयर इट्स करेक्ट फॉर्मेट एंड प्रेजेंट इट एट प्रॉपर प्लेस। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप कामयाबी की तरफ पक्का है बढ़ते जाएंगे। अब बात बची कि आप कामयाब भी हो गए, कामयाब होकर के आप आगे चल पड़े सफल हो गए। सफल होने के बाद आपको एक अभिमान आ सकता है कि हम तो ज्ञानवान, हम तो रूपवान, हम तो धनवान, नहीं ये सब हैवान है, इनको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। बस जैसा हम लोग शुरू में चर्चा किए थे, आप हम एक सामान्य जीव हैं और हमारा मानव समाज आज से 10,000 वर्ष पहले से चला जा रहा है। ऐसे एक आप चौड़ी सड़क माने तो मानव समाज चला जा रहा है, उसी में एक नर एक नारी मिल जाते हैं, प्रकृति उनको एक दान दे देती है, बच्चा। बच्चा कुछ दिन तक माँ के पेट में रहता है, जब वजन बढ़ता है तो माँ की गोद में आ जाता है, वजन और बढ़ता है पैदल चलने लगता है, कुमार बन जाता है बगल में कुमारी देख लेता है, युवा बन जाता है युवती देख लेता है, फिर दोनों फिर मिल जाते हैं, समाज का नियम है। मिल जाने के बाद प्रकृति उनको फिर बच्चा दे देती है, फिर बच्चे का पालन पोषण करते, समाज चला जा रहा है, स्पीड बनी है, कोई रुक नहीं रहा है। फिर प्रकृति इन हाथ पैर में दर्द पैदा कर देती है, जीर्णावस्था आ जाती है, दोनों दंपत गिर पड़ते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, बच्चा आगे देख रहा है, गिर पड़े समाज उसको रौंद डालता है। बस याद क्या रहता है, यदि उसने कुछ अच्छा काम कर दिया है, एक प्रकाश पुंज की तरह फैलता है, लोग उसी को कुछ समय के लिए याद करते हैं और आदर्श मान करके उसको फॉलो करते हैं। बस इतनी सी चीज है हमारे समाज, और आप इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें और इसी मार्ग पर चलें, समाज का कल्याण करें, ऐसी हमारी इच्छा है और ऐसी हमारी शुभकामना है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो इस निमित्त से आए हैं और हमको करना है, और निराश तो बिल्कुल नहीं होना है। एक स्टूडेंट हमारा SDM इलाहाबाद 12, जब देखें निराश रहता था,
हम कहें क्या बात है भाई, कहे सर क्या बताएं, डीएम साहब हम लोगों को डांटते रहते हैं। हम कहें क्या, कहे हर बात पर बिना मतलब का। और चार बार मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया, अभी तो किस्मत की बात थी कि मेरा नहीं हुआ, नहीं तो मैं डीएम बनता और मैं उनको डांटता। हम कहे बेटा ऐसा है कि तुमको ईश्वर ने जो कुछ अलाट किया है डीएम का पद, इसी में खुश रहो और इसको अच्छे ढंग से करो, अच्छे ढंग से सीखो, और अच्छे ढंग से करे रहोगे, सीखे रहोगे, निराश नहीं होगे, तो तुमको इसका नतीजा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सृष्टि का बिग क्रंच होने जा रहा है, अभी सृष्टि बहुत चलेगी, और यहां से आत्माएं जाती हैं तो वहां पर कोई उनके लिए चेयर नहीं रिजर्व रहती है, उनको भेज दिया जाता है फिर से। हाँ, पोस्टिंग उनकी अच्छी की जाती है, परिवार घर संस्कार अच्छा मिल जाता है, और बच्चा भी टैलेंटेड हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में सब सीखा था, उसके संस्कार हैं, बीज रूप में है, और क्लास में नंबर वन का रहता है। क्लास में मैडम बताएंगे कि भारत के पश्चिमी घाट पर बदसहारे बारिश होती है, तो लड़का कहता है नहीं मैडम, भारत में पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है, वो तो प्रायद्वीपीय पठार कगार है। क्यों, लड़का टैलेंटेड हो जाता है क्लास में लोअर में ही, आप सोचिए इसको, क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार उसके अंदर रहते हैं। तो आप निराश क्यों हो रहे हैं, हिम्मत से काम लीजिए। कुछ लोग तो इस हद तक निराश हो जाते हैं, कहते हैं बेकार है शरीर, जिंदगी ही बेकार है, आ जा पंखा लग जा गले, गले लगा लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, महापाप। ऐसी आत्माएं जो समय के पहले ऊपर पहुंच जाती हैं, तो वहां विधाता से कहते हैं कि प्रभु मैंने छोड़ दिया वो कपड़ा, दूसरा दे दो, तो वहां पर तो सिस्टम है ना, वो कहते हैं नहीं कोई कपड़ा नहीं है, कोई एडवांस बुकिंग नहीं है, जाओ। आत्मा कहती है प्रभु निर्वस्त्र नंगे घूमे, हाँ जाओ। प्रभु कहाँ घूमे, और कोई ग्रह नहीं है पृथ्वी पे, जाओ प्रेतात्मा रूप में घूमो, घूमना पड़ता है। और जो यहाँ से अच्छे ढंग से काम करके गया है वहाँ पर, उसको सही यहाँ की चीज़ों को बताया है, सम्मान मिलता है, कहता है जाओ तुम्हारा प्रमोशन, नेक्स्ट पोस्टिंग ए, रंगमंच ए, और एक्शन ए। इसलिए आप हमेशा आशावादी बनकर कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, देश को, समाज को, विश्व को, पर्यावरण को आगे बढ़ाएंगे, तो हमको भी फायदा होगा। हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि हमने जो नॉलेज दिया है उससे आप अच्छा काम करेंगे तो कुछ पुण्य हमको मिल जाएगा आंशिक, उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको भी मिलेगा। इसलिए हम उन शारदा माँ से प्रार्थना करेंगे, वीणा वादिनी से, कि आपको ज्ञान दे और ज्ञान के साथ ही साथ आपको बुद्धि दे, ताकि आप अपना कल्याण कर सकें, समाज का कल्याण कर सकें। जय शारदे माँ, जय माँ वीणा वादिनी।